और देखिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अडानी हिंडनबर्ग मामले में विपक्ष का हल्ला बोल। आपको बता दें कि संसद भवन से ईडी दफ्तर तक विपक्ष का मार्च, तो संसद भवन से लेकर ईडी ऑफिस तक ये मार्च विपक्षी दलों का। और इस बीच ईडी ऑफिस तक सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। आप देखिए ये मार्च शुरू हो गया है, 12:30 बजे का वक्त रखा गया था और तय वक्त पर विपक्ष का ये मार्च भी शुरू हो गया है, संसद भवन से ईडी तक, ईडी दफ्तर तक ये मार्च। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं काफी कड़ी कर दी गई है। विजय चौक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। तो अडानी हिंडनबर्ग मामले में लगातार विपक्ष जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। ईडी ऑफिस तक मार्च निकालने का फैसला आज 18 विपक्षी दलों ने लिया और इस बीच सुरक्षा व्यवस्था संसद से लेकर ईडी ऑफिस तक काफी कड़ी कर दी गई है, बैरिकेटिंग कर दी गई है। ईडी दफ्तर तक जाने वाले तमाम रास्तों में बैरिकेटिंग यहां पर कर दी गई है। अब देखना होगा विपक्ष इस रणनीति में सफल होगा कि नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर मौजूद और कुछ ही देर में विपक्ष का ये मार्च भी शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए तैयारी यहां पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मार्च को रोकने की। अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल अब तक संसद के अंदर नजर आ रहा था, अब बाहर भी नजर आएगा। नजारा है संसद भवन के गेट नंबर 1 का, जहां से आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में विपक्ष के सांसद एक साथ प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं और जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों की एकजुटता दिख रही है, इसमें वीआरएस के सांसद भी हैं, इसमें डीएमके के सांसद भी हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद तो हैं ही, यानी कि तमाम विपक्षी सांसदों का जमावड़ा दिख रहा है और वो ईडी दफ्तर तक मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विजय चौक पर भारी पुलिस का बंदोबस्त किया गया है इन्हें रोकने के लिए और ऐसा लग रहा है कि इन्हें विजय चौक से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन एक सांकेतिक तौर पर अपना विरोध प्रदर्शन अडानी के मुद्दे पर ये जताना चाह रहे हैं और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी के मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार चुप्पी साधे हुए है, सरकार चर्चा करने से बचना चाह रही है, उस मुद्दे को लेकर ये लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। और जेपीसी की मांग, जो लगातार जेपीसी की मांग को लेकर ये हंगामा करते रहे हैं, संसद के अंदर संसद के बाहर आवाज़ उठाते रहे हैं, उस जेपीसी की मांग को और ज़्यादा तूल देने के लिए और ज़्यादा मजबूती देने के लिए आज पूरा विपक्ष एकजुट है, विपक्ष के सांसद एकजुट हैं और वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रमन कुमार, दिल्ली, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।